कांच प्रकरण में एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई में आज कोर्ट ने 7 साल बाद अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने भाजपा के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, शहर विधायक रितेश गुप्ता सहित 70 लोगों को दोष मुक्त करार दिया। 2 लोगों की फाइल अलग कर दी गई है जो अभी विचाराधीन है। केस के 4 आरोपियों की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है। सभी आरोपियों ने कोर्ट का फैसला आने के बाद राहत की सांस ली है। 2014 में कांच के अकबरपुर चेंद्री में धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर बवाल हुआ था। मुरादाबाद जनपद के कांट थाना क्षेत्र के अकबरपुर चेंद्री गांव में जुलाई 2014 को एक धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर एक महापंचायत रोकने को लेकर हिंसा और बवाल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में भाजपा के मौजूदा कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह और शहर विधायक रितेश गुप्ता सहित 76 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसकी सुनवाई 7 साल से मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। 7 साल बाद आज इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 70 आरोपियों को दोष मुक्त करा दिया। कोर्ट में 2 आरोपियों की फाइल अभी विचाराधीन है। साथ ही 7 साल से कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 2014 में जून माह में कांट तहसील की अकबरपुर चेंद्री गाँव में मंदिर से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें कांट तहसील पर बहुत संघर्ष हुआ था। हम लोग सब लोग वहाँ पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए गए थे। वहाँ पर हम सब लोगों ने महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोग भाग लेने गए थे। महापंचायत नहीं होने दी गई थी प्रशासन के द्वारा और हम सब लोगों को विभिन्न मार्गों पे अरेस्ट कर लिया गया था। तत्पश्चात कुछ लोग जो महापंचायत में भाग लेने आ रहे थे, उन लोगों ने विभिन्न स्थानों पर खड़े होकर प्रशासन का विरोध किया था और उसमें पुलिस ने लाठीचार्ज की थी, लोगों ने भी पथराव किया था, जिसमें कुछ लोग चोटिल भी हुए थे। हम 62 लोग विभिन्न स्थानों पर जो गिरफ्तार हुए थे, उन्हें जेल में निरुद्ध कर दिया गया था। हम लोगों ने 3 माह उस कांड में जेल काटी है। उसके बाद में कुछ और लोगों को भी 120B के तहत सह अभियुक्त बनाया गया था। हम सब लोगों ने उसका संघर्ष किया। माननीय न्यायालय ने आज हमारे पूरे मुकदमे का ट्रायल कराने के बाद हम सब लोगों को बाइज्जत बरी किया है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 में कांच में एक बवाल हुआ था, इसमें आज माननीय न्यायालय का निर्णय आया है। मुझ सहित सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया है। हम लोगों को हमारी न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। आज उस विश्वास की जीत हुई है। कांट में कुछ विवाद हो गया था, 2014 की घटना है, और उसमें आज माननीय न्यायालय का निर्णय आया है। इसमें मुझ सहित सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। और हम लोग तो प्रारंभ से ही कहते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था में, माननीय अदालत में, कोर्ट में हमें विश्वास है और उस विश्वास की जीत हुई है। क्या आप केस था, तो कुछ बता पाएंगे आप? एक विवाद कांट में एक लाउडस्पीकर को लगा के गांव, एक बराबर में ही गांव है अकबरपुर चेंद्री, वहाँ पर लाउडस्पीकर हटाने को लेकर विवाद हो गया था। उस समय तो लोगों ने आंदोलन किया था, उस आंदोलन के समय पुलिस ने हम लोगों को आरोपी बनाया था। अच्छा, कितने लोग इसमें आरोपी थे? मुझे लगता है लगभग 85-90 लोग हम लोग आरोपी थे उसमें। सभी को दोष मुक्त माननीय न्यायालय ने कर दिया। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि मंदिर के लाउडस्पीकर को लेकर संवेदनशील मामला था। इसमें कुछ लोगों द्वारा रेलवे स्टेशन पर जाम लगाया गया था, जिसको लेकर कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। लगभग 80-82 के करीब लोग मुजरिम थे। लगभग 72 लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया है। बाकी निर्णय देखा नहीं है। इसको देखने के पश्चात, अवलोकन करने के पश्चात आगे का बताया जाएगा कि कितनी संख्या है। दोष मुक्त होने वालों में नगर विधायक रितेश गुप्ता और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह शामिल हैं। एक मामला था, क्या मामला था, कितने लोग आरोपी थे और क्या उसमें जजमेंट हुआ? ये मंदिर के लाउडस्पीकर को लेकर संबंधित मामला था। इसमें कुछ लोगों द्वारा रेलवे स्टेशन वगैरह पर जाम लगाया गया था, जिसकी वजह से बहुत उसमें गिरफ्तारी हुई थी। लगभग करीब 80-82 के आसपास मुलजिम थे। इसमें कुछ जांच हो गई थी तो करीब 72 के आसपास व्यक्ति दोष मुक्त हुए। हाँ, सभी को दोष मुक्त करा गया। बाकी अभी निर्णय देखा नहीं है, उसके देखने के पश्चात, अवलोकन करने के पश्चात ही आगे का बताया जाता है। तो लगभग कितने आरोपी थे इसमें सर? संख्या तो पूरी मैंने देखी नहीं, इसमें करीब 72 के आसपास थे, 72-74। हाँ, माननीय नगर विधायक श्रीमान रितेश गुप्ता जी और प्रजापति मंत्री जी हमारे भूपेंद्र सिंह जी। क्या सर, निर्णय देखेंगे उसके बाद ही बताएंगे आगे, उससे अलावा कैसे कह सकते हैं।
मुरादाबाद जनपद के कांट थाना क्षेत्र के अकबरपुर चिंद्री गांव में जुलाई 2014 को धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर मामला गर्मा गया था, जिसको लेकर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए थे। भाजपा की तरफ एक महापंचायत भी बुलाई गई थी। महापंचायत में शामिल होने आए भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच गोली चली व पथराव भी हुआ, जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी चंद्रकांत सहित तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने 3 मुकदमे दर्ज कर 100 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता आरोपित बनाए गए थे।